तो चाय बन रही है और ये पानी कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। और यहाँ पर अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ये चार बोतलें इन्होंने दी हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर ये ख़त्म हो जाए तो और भी मंगा सकते हैं। दिस इज़ द मिनी बार, इसमें कप्स वगैरह हैं, ग्लासेस हैं, इसमें आइस रखने के लिए बॉक्स है, ग्लास फॉर द ड्रिंक, सम फाइन कटलरी, ब्यूटीफुल। एंड देन यू हैव अ फ्रिज जो कि अभी खाली है, इसमें एक कल का जूस रखा हुआ है। एंड वी हैव दिस कबर्ड राइट हियर, कबर्ड है सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स, ऊपर काफी रखने का सामान, टॉर्च वॉर्च सब है। और ये मेरी बालकनी, इधर से कुछ और रूम्स इसी तरह के, नीचे एक ये बास्केटबॉल कोर्ट है, ये बच्चों का पूल है, ये बच्चों का है, और उसके आगे एक और छोटे बच्चों का है। यहाँ से एक ये नज़ारा देखिए आप, सारी गैलरीज का, सारे रूम्स हैं ये दिख रहे हैं आप, ये देखो कोकोनट, कोकोनट लगे हुए हैं ताज़े, सॉरी वो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू डिस्कवर हैप्पीनेस व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूं और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं। बहुत टाइम हो गया था कोविड की वजह से, कहीं अच्छी ट्रैवल नहीं हुई थी, स्पेशली सन एंड सैंड जो मुझे बहुत पसंद है, और सिटिंग बाय द पूल एंड टेकिंग अ डिप इन द पूल, ये सब मुझे बहुत पसंद है। तो वो करने के लिए हम लोग आए हुए हैं फुकेट, और बाकी जर्नी जो है हमारी करीब 18-19 घंटे की होगी, क्योंकि 7 घंटे ट्रांजिट था दुबई में, और फिर 7 घंटे 7.5 घंटे की फ़्लाइट यहाँ की। बट एयरपोर्ट से एक अच्छी चीज़ ये कि एयरपोर्ट से पटोंग बीच जो है वो बहुत करीब है, हम लोग पटोंग बीच के जस्ट ऑपोजिट हैं, और रिज़ॉर्ट का नाम है हॉलीडे इन रिज़ॉर्ट, जो हम आपको अभी दिखाएंगे। आज हमारा पहला दिन है, पहला दिन बेसिकली कल था, लेकिन कल पूरा दिन रेस्ट रहा, कल ही आए थे दोपहर में, और शाम में बस थोड़ा बहुत खाना वाना खा करके फिर हम लोग वापस आ गए थे रूम में। आज थोड़ा निकलने का सीन है, और बाकी कल से एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी, कल हम लोग जाएंगे पीपी आइलैंड, और वो सब एक्टिविटीज़ और भी आगे होंगी, अभी कुछ डिसाइड नहीं करा है, तो अकॉर्डिंग टू फैमिली चलना पड़ता है, उनकी फैमिली के साथ हैं। खैर, आपको कुछ अमेजिंग चीज़ दिखाते हैं जो थाईलैंड में ही इस तरह से मैंने देखी है। कट फ्रूट्स मिलते हैं कुछ इस तरह से, आप वाटरमेलन ले लीजिए या फिर मैंगो ले लीजिए, तो ये जो है लाइक दिस फुल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और समर में स्पेशली स्टे हाइड्रेटेड, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिए। मैं भी थोड़ा सा खा ही लेता हूँ, फल यहाँ सबसे अच्छे होते हैं, केला है, आम है, एंड कोकोनट वाटर, उसमें नारियल लगे हुए हैं ऊपर, ब्यूटीफुल। और मुझे पर्सनली रिजॉर्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बजाय इसके कि किसी होटल में रुका जाए, बिकॉज़ एक नेचर का टच होता है कुछ इस तरह से, देखें आप पेड़ वगैरह खूब लगे होते हैं, तो एक मज़ा आता है। ये किड्स का पूल है, और इस जगह पे 5 पूल हैं इस रिजॉर्ट में, एक ये है, एक इसके बराबर में और छोटे बच्चों का है, फिर बड़ों का पूल है, और एक पीछे एक जो जिससे सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ आप लोगों ने यहाँ के, अगर हॉलीडे इन रिज़ॉर्ट आप सर्च करें वो आपको उसमें दिखेंगी। तो ये सब एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, आगे का ब्लॉग जारी रहेगा, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा स्विमिंग पूल है जहाँ स्विमिंग चल रही है, वो सामने उस तरफ पेड़ों के उधर बीच है, और इधर ये स्विमिंग पूल और होटल। ये पूल मुझे ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ ये एकदम रोड के पास में है, कभी भी यहाँ से एंटर करिए और सीधे आकर के आप पूल में डुबकी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से ये रास्ता गया रूम के लिए, अभी इस टाइम कोई है नहीं, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं, बेस्ट टाइम है। ओके, और इसमें इधर जकूजी भी है मेरे पीछे,
A few moments later. Wow! Evening stroll along the beach with family. Welcome to Phuket Beach, Patong Beach. और ये देखिए बारिश शुरू हो गई है, बढ़िया मौसम, वाह। तो नीचे लोटस लगे हुए हैं, बेहतरीन हवा चल रही है, अच्छे पेड़ लगे हैं। Next episode, Phi Phi Island and more. Everyone, when the boat stops, if you feel not okay, look outside the boat. Everyone, look far from the boat. And if you feel dizzy. Oh yeah!